नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, जियो को लेकर यहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार उठ रहे हैं कि क्या जियो इनकमिंग कॉल्स को बंद कर रहा है, तो वो भी मैं आप लोग की जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको वहां पर आप कह सकते हो थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। तो जान के बने रहिएगा, एज यूजुअल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो देखो यार, ये बात मैं बोलूं या ना बोलूं, आप भी जानते हो कि जियो यहाँ पर बाकी अदर ऑपरेटर से सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो आप कनेक्टिविटी ले लो, या फिर आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्लान प्राइसिंग है वो, ऐसे आप कंपेयर करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। एयरटेल हो, वी हो, सभी से सस्ता यहाँ पर हमें दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि जियो हमें जब से लॉन्च हुआ है तब से दे रहा है इनकमिंग कॉल्स फ्री। मतलब अगर हम अपने नंबर पर रिचार्ज नहीं भी करते हैं तो हमें इनकमिंग कॉल्स आती रहती हैं, जिससे कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि यार कुछ भी कहो, रिचार्ज ना भी करो, लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा हमें फ़ोन कर रहा है कभी भी उठ के, चाहे वो एक महीने बाद कर रहा है, दो महीने बाद कर रहा है, सिम में रिचार्ज नहीं हो रखा है, कोई प्लान एक्टिवेट नहीं है, फिर भी हम उस कॉल को पिक करके जो बात है वो कर सकते हैं। मतलब इनकमिंग कॉल्स ऑन है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है लोगों को जियो की, ये जो आप कह सकते हो चीज़ है। बट फिर भी यहाँ पर अब ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को जो कॉल्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब कुछ काफ़ी कमेंट आ रखे थे कि सर मुझे कॉल आ रखा है जियो का, मतलब कस्टमर केयर की तरफ से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जो नंबर है वो काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते हम आपकी इनकमिंग कॉल्स को, अगर आपने आने वाले दिनों में 4-5 दिन हो गए या 10 दिन में रिचार्ज नहीं किया, तो आपका जो इनकमिंग से वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये ऐसे कुछ कॉल्स आना शुरू हो गए थे और बता रहे हैं कुछ यूजर्स की, उन्हें कॉल आया जिसमें कि मतलब जियो कस्टमर केयर की तरफ से बंदे ने बोला कि आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि आपने काफी टाइम से रिचार्ज अपने नंबर पे नहीं किया है। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी ट्राई की तरफ से, जिसमें कि ट्राई ने बताया था कि किस ऑपरेटर ने बेस्ट यहां पर आप कह सकते हो सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और किस ऑपरेटर ने सब्सक्राइबर को खोया है। तो वहां पर जियो ने काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खोया था, ठीक है, मैंने वो न्यूज कवर की होगी अगर आप मेरी वीडियो देखते होगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जियो अभी भी एक ऐसा ऑपरेटर बन के बैठा हुआ है पूरे इंडिया में आप कह सकते हो, जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, एयरटेल और वी से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। तो जो भी ट्राई की रिपोर्ट में जियो को यहां पर दिखाया गया था कि काफी ज्यादा जियो ने सब्सक्राइबर खोए हैं, वो इसलिए खोए थे क्योंकि जियो खुद ब खुद अपने जो आप कह सकते हो कंपनी है उनमें जो अनएक्टिव यूजर्स हैं, मतलब उनका जो सिम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अनएक्टिव हो चुके हैं, मतलब अपने नंबर पे काफी टाइम से रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो खुद वहां पर आप कह सकते हो बंद कर रहा है, जियो खुद ब खुद वहां पर उन्हें क्लोज कर रहा है, जिसके कारण यहां पर आप कह सकते हो उनके सब्सक्राइबर जो है वो काफी कम हुए थे। तो ऐसा ट्राई की रिपोर्ट में सामने निकल के आया था कि जियो के यहां पर काफी लोग छोड़ के गए, बट ऐसा नहीं है, जियो पे यहां पर कंटिन्यू जो सब्सक्राइबर है वो ऐड हो रहे हैं। और वो जो रिपोर्ट इसलिए आ गई थी, वहां पर नंबर्स कम इसलिए देखे गए क्योंकि जियो खुद ब खुद अपनी तरफ से वहां पर ऐसे यूजर्स को हटा रहा है जिनके पास 3-4 सिम है और वो एक ही सिम यूज करते हैं, पर्टिकुलर एक ही सिम में रिचार्ज कराते हैं, बाकी जो अदर जो 2 सिम है उनके उसमें वो रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, 2-3 महीना हो रहा है, तो ऐसे वो सिम खुद ब खुद वहां पर बंद कर रहा था। लेकिन अब यही कॉल जो है वो काफी लोगों को आना भी शुरू हो गई है जो कि रिचार्ज नहीं कर रहे थे कि आपकी इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाएगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपकी इनकमिंग कॉल ऐसे बंद नहीं की जाती है, ठीक है, अगर आपको ऐसा कॉल आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज कॉल का वेट मत करो। अगर आपने नंबर पर रिचार्ज नहीं कर रखा है तो सस्ता ही रिचार्ज करा लो, लेकिन हाँ, कुछ अपने नंबर पर रिचार्ज कर लो उसे एक्टिवेट बनाए रखने के लिए, ताकि जो आप इनएक्टिव ना मतलब कहलाए जाओ, क्योंकि अगर आप महीनों तक रिचार्ज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आप इनएक्टिव कहलाए जाओगे। तो अगर आप 1-2 महीना रिचार्ज नहीं कर रहे हो, दिस मीन दैट कि आप वो सिम आपके लिए यूजफुल है ही नहीं, आप उसमें रिचार्ज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप उस सिम का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो आप कह सकते हो इनकमिंग कॉल है वो बंद करी जाएगी और बेसिकली आपका सिम ही डीएक्टिवेट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आपने रिचार्ज नहीं कर रखा है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो जियो नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, तो आप उसमें कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत रिचार्ज करा लो। फिलहाल जो भी आपकी क्वेरीज थी, जो डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा कॉल आ रहा है तो आप रिचार्ज कर लो, और अगर आप नहीं सिम यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब तक इनकमिंग आ रही है इंजॉय करो इनकमिंग कॉल्स को, अदरवाइज फिर आपका जब सिम बंद हो जाएगा तब तो हो ही जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इनकमिंग कॉल बंद होने ही वाली है, तो आपको बताना चाहूंगा, मेरा भी मतलब एक जियो सिम है जिसमें मैंने काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं किया, बट मुझे अभी तक उस नंबर पर कोई भी जियो की तरफ से कॉल नहीं आया है कि आपकी इनकमिंग कॉल्स को बंद कर दिया जाएगा। तो जब कॉल आ जाए तो रिचार्ज कर लेना, और अगर नहीं आ रहा तब तक तो बल्ले बल्ले है ही। ऐसे में मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मतलब सिम इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप रिचार्ज कर लो यार, कुछ उसमें पैसा पड़ा ही रहेगा बट आपका सिम तो एक्टिव रहेगा ना। दोस्तों, ये आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।